नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। देश में आजकल राजनीति पशु और जानवरों से शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है गाय का। तो गाय पर राजनीति करने से गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी गाय कचरे से ही अपना पेट भरती नजर आती है और गाय पर कभी नेता तो कभी फिल्म अभिनेता अलग अलग तरीके से टिप्पणी करते रहते हैं। अब देखते हैं कि आखिर बेचारी गाय का क्या हाल है, आप खुद ही देख लें। फिल्म स्टार निसारुद्दीन शाह आजकल बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर अब देश में पुलिस के जवान नहीं बल्कि गाय सुरक्षित हैं, पर दलित विकास समिति सह कल्याण दिल्ली प्रदेश के संचालक अब्दुल जहांगीर ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह को लोग भूल गए थे। शायद इसीलिए नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा बोला ताकि वो लोगों का ध्यान फिर से नसीरुद्दीन शाह की तरफ जाए। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर जी, दलित विकास समिति सह कल्याण परिषद दिल्ली प्रदेश में आपका पद क्या है? मैं संचालक हूँ, संगठन सचिव हूँ। जहांगीर जी, नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि देश का माहौल में जहर फैला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका संगठन क्या कहना चाहेगा? देखिए, नसीरुद्दीन शाह ने जो कहा है कि देश में जहर फैला हुआ है या भय का माहौल है, ये नसीरुद्दीन शाह की सोच हो सकती है, अपनी उनकी सोची समझी रणनीति हो सकती है नसीरुद्दीन शाह की। ऐसा कोई भी देश में भय का वातावरण नहीं है, किसी तरीके का भय का वातावरण नहीं है, ताकि लोग बड़े शांति के साथ अमन के साथ लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। कहीं कहीं धोखाधड़ी घटना घटती रहती है, इससे हमारा तो यही सलाह है नसीरुद्दीन शाह को कि गरीबी पे बोले, बेरोजगारी पे बोले, पढ़ाई पे बोले, असहाय लोगों पे बोले। हमारी राय तो यही है नसीरुद्दीन शाह साहब से, और बाकी तो नसीरुद्दीन शाह साहब पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको भय कैसे लगेगा? उनको सिक्योरिटी है, सब कुछ है, बेहतरीन तरीके से बंगला में वो पैक है, उनको जनता की क्या फिक्र है? उनको कोई फिक्र तो होना नहीं चाहिए नसीरुद्दीन शाह को। नसीरुद्दीन शाह तो एकदम बिल्कुल आईना है और पैक है, वो एक विवाद को छेड़ दिए हैं, इस तरीके की विवाद को छेड़ के वो अपना लोकप्रिय बढ़ा रहे हैं कि हमारा लोकप्रिय खूब अच्छा से हो जाए, हमको लोग फिर दोबारा जान जाए। फिल्म स्टार की बातों को मैं भी आपको कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मीडिया वाले ज्यादा इनको हाईलाइट नसीरुद्दीन शाह को न करें, उससे अच्छा है। अब दूसरी चीजों पर चले, मीडिया भाइयों से भी यही अपील है कि देश में जो बेरोजगारी है उस पर मीडिया भाइयों दिखाए, जो लोग काफी परेशान हो गए हैं देश में GST को लेके, काफी लोग परेशान है उस दिशा में। नसीरुद्दीन शाह जी ने जो कहा है कि देश के सिपाही सुरक्षित नहीं है, देश में गाय सुरक्षित है, क्या इससे क्या विवाद फैल रहा है या इन्होंने किस मुद्दे को लेकर ये बात उठाई है? देखिए, गाय की जहाँ तक बात है तो गाय तो दिल्ली के सड़कों पर देख ही रहे, बेचारी चर चार के खा रही है, वो तो ठीक है। हाँ, सिपाही सुरक्षित नहीं है, ये बात ठीक है आपका कहना, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है कि सिपाही सुरक्षित नहीं है, मगर उस सिपाही का जो हादसा हुआ उनके साथ तो हम लोग हैं, बहुत तरीके से सहानुभूति है सिपाही के साथ, पुलिस वाले के साथ, कि बहुत बड़ा घटना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात ठीक है। जैसा नसीरुद्दीन शाह के बारे में अगर हम बात करें तो नसीरुद्दीन शाह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्या एक इतने बड़े कलाकार को या एक्टर को इस तरह की बात कहना शोभा देती है? अक्सर बात है कि भीड़ में नसीरुद्दीन शाह छूट गए थे, कलाकार तो बड़े थे, भीड़ में छूट गए थे, अब वो भीड़ से फिर आवाज लगा रहे हैं कि लोग हमको जाने, वो अपनी सोची समझी रणनीति जो बताया हम आपको वो कर रहे हैं। इसे क्या लगता है, क्या नसीरुद्दीन शाह पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या प्रेजेंट जो सरकार है हमारे देश में उस पर किसी तरह की चल उछाल रहे हैं? देखिए, वो तो बेहतर वही बताएंगे किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी मंशा है, हम भी बड़ा गौर से टीवी पर देखा है, उनकी कहीं ना कहीं मंशा है, कहीं ना कहीं सोची समझी उनकी रणनीति है जिस पर वो फॉलो कर रहे हैं। अभी आपका क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि देश में भय का माहौल नहीं है, इस तरीके का कोई माहौल नहीं है, बहुत अच्छा है देश का वातावरण, हम तो सुबह से शाम तक हिंदुओं के पीछे रहते हैं, हमारी रिहाइश भी हिंदुओं के बीच में है, कोई ऐसा भय नहीं है, बहुत अच्छा है। हम लोगों से भी पूछा है, मुल्ला से, मुलवी से, लोग से पूछे हैं, आम आदमी से भी पूछे जिनका हिंदुओं के बस्ती में दुकान है, राशन की है, व्यक्ति है, किसी चीज की है, वो भी कह रहे हैं कि ना कोई भय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।